Lecture, of of so photosynthesis? Photosynthesis वो प्रोसेस है और लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में और इस एनर्जी को यूज किया जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनको हाई एनर्जी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करने के लिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम फोटोसेंथिस के रिएक्शन की बात करें तो ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है रिडॉक्स मीन इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं फोटोसिंथिस के रिएक्शन के दौरान तो इस वजह से हम इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं या फिर हम इसे रिडॉक्स प्रोसेस कह सकते हैं अगर हम इसके इक्विजन को देखें तो टू मेन रिएक्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में तो अगर हम देखें तो इन रिएक्टेंट्स के अंदर क्या चेंज आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रही है वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज के अंदर मीन इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है रिडक्शन मीन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है ग्लूकोज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में रिड्यूस हो गई अगर हम दूसरे रिएक्ट्रन को देखें जैसा कि वाटर तो वाटर किस में चेंज हो रहा है ऑक्सीजन के अंदर मीन वाटर में जो हाइड्रोजन मौजूद है वो रिमूव हो रही है या वाटर के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है ऑक्सीडेशन तो इस स्टेप के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज में चेंज होती है वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इस वजह से हम फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसेंथेसिस की बात करें तो ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है जैसे कि पीछे रिएक्शन में दिखाया गया कि ऐसा नहीं होता कि सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड के एक स्टेप में ट्वेल्व वाटर मॉल से कंबाइन हो और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाए नो no. ये एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है मीन इसके अंदर बहुत से रिएक्शन इन्वॉल्व हैं बहुत से स्टेप के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होता है और हर स्टेप को हर रिएक्शन को डिफरेंट इंजाइम कैटेलाइज कर रहे होते हैं ओवरऑल अगर हम रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को हम टू फेजेज में डिवाइड करते हैं सबसे पहले आते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन हैं जो लाइट पे डिपेंड करते हैं ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में होते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट में नहीं हो सकते इन रिएक्शंस के लिए लाइट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है तो इस वजह से इन्हें हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं सेकेंडली आते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन इन रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करते इन रिएक्शंस के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती डायरेक्टली लाइट इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हो सकते हैं डे के टाइम पे भी हो सकते हैं नाइट के टाइम पे भी हो सकते हैं तो इस वजह से इन्हें हम डार्क रिएक्शन कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनके अंदर लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है बाय द क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स जितनी भी लाइट रेडिएशन हैं उनको क्लोरोफिल और जो बाकी पिगमेंट्स हैं जैसे कि कैरेटोनाइड्स ये कैप्चर करते हैं और देन इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर और इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में आती है इन दी फॉर्म ऑफ ए एंड पी एन ए डी को एक्मिलेटिंग पावर कहा जाता है जबकि एन क्या है रिड्यूसिंग पावर तो जितनी भी लाइट एनर्जी डिफरेंट पिगमेंट्स कैप्चर करते हैं उसको किसमें चेंज किया जाता है ए टी पी एन एन ए डी पी एच टू में और ये एन एन एच देन डार्क रिएक्शन की तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं मीन ये अपना रोल देन प्ले करते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर दिस इज द फिगर दैट एक्सप्लेन द लाइट रिएक्शन यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम दरअसल हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स और जब बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं इनके क्लस्टर को जो ग्रुपिंग बन रही होती है इनका ग्रुप होता है मेम्ब्रेन के अंदर ये ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं इसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं यहाँ पे टू फोटो सिस्टम है तो लाइट एनर्जी जब इन फोटो सिस्टम पे पड़ेगी या इन पिगमेंट्स पे पड़ेगी तो ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में जैसे कि एटीपी और एनएडीपी टू किस तरह से कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले जब लाइट पड़ेगी तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगी इन्हीं मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कि क्लोरोफिल ए के अंदर और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफर किया जाएगा जब इसका ट्रांसफर होगा तो इसके ट्रांसफर से इसको डाउन द ग्रेडियंट ट्रांसफर किया जाएगा हाई से लो लेवल की तरफ तो जब इसका ट्रांसफर होगा तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी इससे एडिशन होती है एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट की और एडीपी में जब एक फॉस्फेट ऐड किया जाएगा जिस स्टेप को हम ऑस्मोसिस कहते हैं तो इससे बनेगी एमटिंग पावर जिसे हम ए कहते हैं सेकेंड प्रोसेस क्या होगा कि लाइट एनर्जी साथ में यूज की जाएगी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए वाटर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या फिर वाटर किस में चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और साथ में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है और वाटर की ऑक्सीडेशन से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे ये कन्वर्ट करेंगे एन ए डी पी पॉजिटिव को एन ए डी पी एच में और एन ए डी पी एच ये क्या है ये रिड्यूसिंग पावर है ये एनर्जी स्टोर कर लेगा रिड्यूसिंग एनर्जी मीन इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी है और हाइड्रोजन भी है तो इसकी वजह से इसके अंदर रिड्यूसिंग एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो लाइट रिएक्शंस की दो प्रोडक्ट हैं एक एटीपी एंड सेकंड इज एनएडीपीएच सेकंड डी पी हमारे पास आते हैं दूसरे रिएक्शन डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इवन ये इन दी एबसेंस ऑफ लाइट भी हो सकते हैं डार्क रिएक्शन में क्या होता है वो प्रोडक्ट्स जो लाइट रिएक्शन में बने थे वो डार्क रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि एन ए ये रिड्यूसिंग पावर देता है क्योंकि इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड हाइड्रोजन एंड ए प्रोवाइड करती है केमिकल एनर्जी जब ए को स्प्लिट किया जाता है इसका लास्ट पासपेट रिमूव किया जाता है तो हाई एनर्जी रिमूव होती है जिसको दोबारा किसी और कंपाउंड के अंदर या इंटर्न आप ये कह सकते हैं किसी और कंपाउंड को बॉन्ड फॉर्मेशन की बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं जैसे कि ए की केमिकल एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाएगा और एनएडीपी टू क्या प्रोवाइड करेगा रिड्यूसिंग पावर मीन ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइन प्रोवाइड करेगा और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी शुगर में और ये जो शुगर है इसके अंदर ये सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी दोबारा जब हम इसको ब्रेक करेंगे ड्यूरिंग रिस्पिरेशन तो यही एनर्जी रिलीज होगी सो फोटोसेंथिस के रिएक्शन को हम टू फेजेस में डिवाइड करते हैं सबसे पहले आते हैं लाइट रिएक्शन एंड देन डार्क रिएक्शन जिन्हें हम कैलवन साइकिल कहते हैं लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को फोटो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसमें कन्वर्ट किया जाता है एटीपी एंड एन ए टी पी एच तो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं और ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर एटीपीएनिंग एंड रिड्यूसिंग एंड पावर सप्लाई करते हैं और इस पावर को यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को मल्टीपल साइक्लिक प्रोसेस के दौरान सुक्रोज या फिर शुगर में चेंज करने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है मल्टीपल स्टेप्स में और कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है शुगर के अंदर और इस दौरान एडीपी जो है इसकी जेमुलेटिंग पावर यूज हो जाती है मीन इसका लास्ट फॉसफेट रिमूव होगा दोबारा से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी के अंदर और एनएडीपी के अंदर जो हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टोर किए थे और साथ में हाइड्रोजन ये रिड्यूसिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा जिसके बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा एनएडीपी में ये एन और एडीपी दोबारा लाइट रिएक्शन के अंदर फिर से ए और एनएडीपी में कन्वर्ट किए जाएंगे तो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट कहाँ यूज हो रही हैं डार्क रिएक्शन के अंदर और डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट को दोबारा हाई एनर्जी कंपाउंड्स में जैसे कि एटीपी और एन ए डी एंड रिड्यूसिंग पावर में किस में चेंज किया जाएगा लाइट रिएक्शन में तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों एट अ टाइम हो रहे हैं तो अगर हम देखें तो लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होते हैं क्योंकि लाइट ही एनर्जी प्रोवाइड करेगी जेम्युलेटिंग और रिड्यूसिंग पावर के लिए तो इस वजह से हम इन्हें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं लेकिन कैलवन साइकिल या डार्क रिएक्शन की बात करें तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ए और एनएडीपी चाहिए अगर लाइट मौजूद नहीं है और सेल के अंदर ए टी पी एन ए डी पी एच अवेलेबल है तो डार्क रिएक्शन हो सकते हैं तो इनके लिए डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं है इस वजह से इन्हें हम लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं या डार्क रिएक्शन कहा जाता है थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स